अस्सलाम वालेकुम जी सर। चाचा बल्ले की बात हो गई आपसे? हाँ जी हो गई बात। वो हजरत इंजार खान हाँ जी कहना मैं उसे आना फिर तेन कॉल कर दा जी। मैं कहा ठीक हो गया। अच्छा बेटा गल सुन ना जी चाचा, अगर वो पठियाला खलील साहब जमानत पै जाए साडा जरा कोई लख दो लख खुट जाए जी, असि ओनू अपना कोई चीज जेडी है लिख के दे दईए ते ओ तू कबूल कर लेगा? बिल्कुल कबूल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मुंडा सानू दे देगा? मुंडा मिल जाएगा। गुड ठीक है, ठीक हो गया। मेरी गल हुई है ना वो कहता बाबा जी तुसी आ जाओ कोई मसला नहीं, मैं जेरी जगह दे कागज है ना मेरी दे। मामला क्या है ना चाचा? हाँ अभी मैंने कहा एक या दो जो आपके पास पड़े ना ये इस बंदे को दे देते तो ये मेरे को इधर पहुंचाता। हाँ जी मैं जो पुलिस वाला मामला या दूसरा है वो बाद में चलो जमानत दे देगा, कोई मसला नहीं है। नहीं बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ तो इसे नहीं काम खराब हो जाए तो इसलिए कह रहा हूँ। तो मैंने सिस्टम आपके लिए किया हुआ है सारा, तो ये जल्दी एक या दो आपके पास है जल्दी इस बंदे को दो, ये कार पे मुझे पहुँचाएगा। ठीक है सर जी, समझ गया ना? ठीक हो गया, ठीक है। बकाया आप चौधरी साहब को खलील साहब को कोई भी जमानत दे वो मुझे सिर्फ फोन करेगा, उसका बंदा आएगा गाड़ी में ले इधर, उसको हाथ में बंदा मिलेगा खलील चौधरी खलील का बंदा उधर है वो सारे जानने वाले, उसको वो कार आप उसको दे देंगे जी। वो खुद है उधर आपको मिलेगा। ठीक हो गया सर, और हुक्म। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है आप उधर ही बैठे होंगे उधर ही आपको मिलेगा। अभी अगर आज ही बात करवा लेते हैं तो आज वो फोन करे आज ही बस। नहीं सर, जो भाई जो ये जो भाई मेरे पास आ रहा है ना ये तो समझो ये भी खलील का अपना बंदा है। अच्छा। वो यही बस उसको आप इसको बच्चे को लेके उधर आ जाएगा। ठीक है, वो तो खलील साहब ने बोला भी मेरे को आज बुखार है मैं बाबा जी नहीं मिल सकता। हाँ मुझे बताया था सुबह 9 बजे तो मेरे बच्चे जल्दी फारिग कर दे आज है मेरे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आने दो उसको। ये पहुंच गया है अभी सात का बस पहुंचने वाला है। हाँ मैं भी इंशाल्लाह मेरे को जैसे कॉल करेगा ना मैं उसको बता दूंगा बेटा मैं इस जगह पे खड़ा हूँ आजा मेरे पास ये निशानी हो खुद ही आ जाएगा।